शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सबको। मुझको बिल्कुल आइडिया नहीं था आज के रोहित अंकल मेरे को सत्संग के लिए बुलाएंगे, तो जस्ट ट्राइंग टू पुट माई थॉट्स टुगेदर। तो सबसे पहले तो हम मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ 2014 से, जब मैं उनका भी जैसे कहते हैं गुरु जी का जब तक तो बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते गुरु जी के पास। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे इंडिया में जो कि उनको कॉल करते थे कि आप गुरु जी हैं यूएसए में, आप गुरु जी के पास जाइए, जाना चाहिए आपको, बिकॉज ही हैज सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो डर मेरे कहते थे चलो देख गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी देखो कौन से गुरु जी हैं। तो मैंने इंटरनेट पे खोला तो उस टाइम पे मतलब इतना मंदिर वंदिर नहीं था एडिसन में, उस टाइम पे वही जो तेज आंटी वगैरह बताते हैं कि जो घर में सत्संग हुआ करते थे, तो मेरे कुछ मिला नहीं उसके बाद। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरे को उनको उनके फ्रेंड का दोबारा फोन आया कि अब तो बहुत अच्छा हुआ गुरु जी का मंदिर न्यू जर्सी में खुल गया, अब आप जाओ और दर्शन करके आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे फिर कहते हैं कि मेरी उनसे बात हुई, मैं पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ओखली रोड के ऊपर है। तो ओखली रोड को तो मैं जानता हूँ शुरू से, तो एरिया को पता था, वो जो अंकल थे वहाँ पर उनको भी मैं जानता था शुरू से। तो मैंने उनको फ़ोन किया, हाँ जी कहते हैं अच्छा है मेरा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं और मेरी गाड़ी पहुँच गए वहाँ पर, और वहाँ पर यह देखने की बात है कि डैडी बस मेरे मैं अपने जॉब में बिजी हूँ और उनके पास कोई राइड नहीं आने जाने के लिए। तो फर्स्ट डे हमको इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली वहाँ पर जाकर कि वी वॉन्टेड टू गो देयर अगेन एंड अगेन। एंड मेरे फादर मेरे कहते हैं बेटा मैं जाना तो चाहता हूँ पर मैं जाऊँगा कैसे। तो वहीं पर एक आंटी ने हमको इंट्रोड्यूस कराया जैन अंकल के साथ। तो हम रहते बिस्कैट में, जैन अंकल बिस्कैट में रहते थे। तो जैन अंकल कहते हैं नो प्रॉब्लम आई विल ब्रिंग यू व्हेनेवर आई कम, आई विल ब्रिंग यू विद मी, आई विल टेक यू। तो उसके बाद से जैन अंकल ने मेरे फादर को हमेशा एवरी डे राइड दी, वो जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता तो तब तक आ नहीं सकते, और जब आते हो तो गुरु जी अपने आप रास्ता बनाते हैं आपका कि आप दोबारा आओ। और उन दिनों मेरी जॉब होती थी तो मेरे को थर्सडे या संडे को मैं आना चाहता था, पर संडे को मेरी डॉटर के साथ मेरी उसका तो अपनी मदर के साथ रहती है, तो आई टू गो टू न्यूयॉर्क एंड थर्सडे आई वॉज वर्किंग रेस्टोरेंट, सो आई डिडंट हैव नो टाइम एट नाइट, आई वॉज गेटिंग ऑफ लेट, सो आई कुड नॉट कम। तो गुरु जी का देखिए कैसे उन्होंने किया, आउट ऑफ द ब्लू, कोई भी किसी को आइडिया नहीं है। तो मेरे बॉस आगे मेरे कहते हैं टोनी ऐसा कर तू ना इस लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशन में चला जा, तो ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब वजह क्या ट्रांसफर की, कह रहे कोई बात नहीं तू उधर चला। अब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे ज़्यादा मिल गई कि आई वॉज एबल टू कम ऑन थर्सडे टू गुरु जी विदाउट एनी रीजन, लाइक कुछ वजह नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, चलो ऐसे ही मतलब जय गुरु जी हम पहुँच गए। अब थर्सडे के थर्सडे गुरु जी कृपा, हम कोशिश करते हैं अपने गुरु जी के दरबार में हाजिर लगाए अपनी। और फिर मेरी एक बेटी है जो कि मेरे साथ आती है कभी कभी, वो भी जैसे कहते हैं ना गुरु जी एक पूरे परिवार को ब्लेस कर देती है। तो मेरी ब्लेसिंग गुरु जी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, हमारे फादर के थ्रू और बेटी के ऊपर भी है। और एक और सत्संग जब मेरे फादर हम जो दूसरा मंदिर था वहाँ पर कभी कभी मीठा प्रसाद की सेवा किया करते थे, वहाँ पर अलाउड होती मीठा प्रसाद की सेवा। तो हमारा स्पेशल डे आता रहा सितंबर में आफ्टर माय फादर पास्ड अवे, इट वाज हिज फर्स्ट बर्थडे, सो आई सेड लेट मी डू सम मीठा सेवा। तो उन दिनों मंदिर के अंदर उन्होंने बाहर की सेवा बंद कर रखी थी, बट दैट वाज अ डे ओके। सो मैंने घर पे कुछ मीठा बनाया और आप यकीन करो मैंने मीठा बनाया और गुरु जी को भोग लगाया, और गुरु जी को भोग लगा के साइड पर रखा हूँ कि मेरा फ़ोन बजता है और जो मंदिर जाते हैं वहाँ पर उनका फ़ोन आता है कि आप आज से ना हमने सेवा चालू कर दिया। सेम डे कहते हैं आप सबने सेवा चालू कर दिया, आप मीठा सेवा आपकी आज की, मतलब जय गुरु जी। अब इससे ज़्यादा और क्या किसी का फेथ कैसे बनेगा। और यू नो मैं जब शुरू शुरू में आया था मेरे कहते थे कि भाई गुरु जी मैं सत्संग सुनता था, सब आंटी कहती थी गुरु जी हमारे सपने में आए और गुरु जी ने हमको दर्शन दिए। तो मैं सोचता अपने दिल में यार आंटी को गुरु जी दर्शन दे दें, कोई अंकल तो आगे नहीं बोलता कि गुरु जी ने हमको दर्शन दिया। तो
नेक्स्ट सत्संग में मैं गया हूँ वहां पर, और कोई अंकल आके सत्संग करते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी ने हमको सपनों में दर्शन दिए। मेरा आपका कोई भी अंदर क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब गुरुजी अपने आप आपको संगत के थ्रू ही देते हैं। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ दैट। और ऐसे बहुत से सत्संग है मेरे, यू नो, बाकी कई बार तो मैं रोड पर, मेरा अपार्टमेंट से निकलता हूँ, मेरा टायर बर्स्ट हो जाता है विदाउट रीजन, सो माई गॉट हैव टू गो टू न्यूयॉर्क। तो आउट ऑफ ब्लू नोवेयर अ पर्सन कम्स अलोंग विद अ बिग जैक एंड से यू नीड हेल्प। आई से ऑफ कोर्स आई नीड हेल्प, सो यू हेल्प्स मी। जो जॉब मेरे मैं खुद कर सकता था पर इसको टेक मी टाइम, पसीने पसीने निकलते दो मिनट में हो गया। मैं जय गुरु जी। अभी छोटे संगत, छोटे छोटे हैं सत्संग, पर इनसे आपका फेथ बनता है। छोटे संगत है, इनसे फेथ बनता है आपका, मेरा तो इनसे बना है। अब कहते हैं जो कहते हैं कि मानो तो बहता पानी है, नहीं मानो तो बहता पानी है, मानो तो गंगा जल है। दैट्स व्हाट इट इज, यू नो, अपना फेथ बनाए रखें, गुरु जी के पास आते रहें, गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। गुरु जी सबका, आप इधर हैं क्योंकि गुरु जी का हुक्म है आपको आने के लिए। अगर गुरु जी की इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं आ सकते यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सत्संग तो बहुत है, बाकी अभी इतना ही है फिलहाल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।